दोस्तों इंटरनेट तो आप सभी यूज करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं डीडॉस अटैक के बारे में? आज आप वीडियो देखते रहिए और मैं आपसे इसी के बारे में बात करने वाला हूं। मैं आपको बताऊंगा कि डीडॉस अटैक होता क्या है, इसे कौन करता है, कैसे करता है और इससे करने वाले का फायदा क्या होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरु जी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों कुछ दिनों पहले के टेकटॉक्स के एपिसोड में जब मैंने आपसे बात की थी डीडॉस अटैक्स के बारे में कि जो हुए थे दुनिया की काफी सारी पॉपुलर वेबसाइट्स पे जैसे कि ट्विटर, रेडिट और स्पॉटिफाई, तो सामने से आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ने मुझसे सवाल किया कि आखिर ये डीडॉस अटैक होते क्या है, इन्हें कौन करता है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, या बेसिकली एकदम आम भाषा में डीडॉस अटैक का मतलब क्या है। तो उसने कि यहां पे अगर मैं बात करता हूं फुल फॉर्म की तो वो निकल के आती है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, यानी कि अगर डीडॉस अटैक किया जाए किसी भी वेबसाइट पे तो वो वेबसाइट दोस्तों बंद पड़ जाएगी, जाम हो जाएगी, ठप पड़ जाएगी और वो किसी भी तरह की सर्विस को डिनाय कर देगी। यानी कि अगर आप कोशिश करेंगे उस वेबसाइट तक पहुंचने की तो आप वैसा नहीं कर पाएंगे, और न सिर्फ आप ही की तरह अगर उस वेबसाइट के लाखों जेन्युइन विजिटर्स कोशिश करें उस वेबसाइट तक जाने की तो वो भी वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। अब ये बात दोस्तों क्लीन है, क्लियर है कि जो डीडॉस अटैक है ये किया जाता है किसी भी तरह की वेबसाइट को डाउन करने के लिए, बंद करने के लिए, ठप करने के लिए, और ये काम डेफिनेटली एक हैकर या फिर हैकर्स की टीम ही करेगी। लेकिन दोस्तों यहां पे वो जो हैकर्स है, हैकर्स की टीम है, वो अकेले नहीं होते हैं, उनके पास में होती है कंप्लीट फौज जिसको हम कहते हैं बॉटनेट। और आपको जान के बहुत बड़ा आश्चर्य होगा कि हो सकता है आपका लैपटॉप, आपका कंप्यूटर, आपका राउटर, आपका वेबकैम या आपके पास में किसी भी तरह का अगर कोई भी स्मार्ट डिवाइस है जहां पे आप नेट को यूज कर सकते हैं या फिर वो इंटरनेट से कनेक्ट हो सकता है, तो वो भी शायद उस बॉटनेट का हिस्सा हो। अब आप सोचोगे कि यार मैं इस बॉटनेट का हिस्सा कैसे बन गया। दोस्तों हो सकता है आपके सिस्टम में कोई मैलवेयर हो, आपके पास में किसी ईमेल के थ्रू, किसी डाउनलोड लिंक के थ्रू, किसी मलिशियस सॉफ्टवेयर के थ्रू ऐसा मैलवेयर आके इंस्टॉल हो गया आपके सिस्टम में जो उस हैकर को आपके सिस्टम को रिमोट कंट्रोल करने की परमिशन देता हो, और ऐसे में वो हैकर यूज करेगा आपके सिस्टम को अपने खुद के बेनिफिट के लिए और किसी भी वेबसाइट पे डीडॉस अटैक करने के लिए। अब आखिर उसके पास में इतना बड़ा नेटवर्क तो आ गया, तरह तरह के नेटवर्क उसके पास में है, बहुत सारे वहां पे डिवाइसेस हैं, मिलियंस वैसेस हैं जिसको हम कहते हैं बॉटनेट, लेकिन ये अटैक जो है ये होता कैसे है। तो उसने कि ये बात तो आप भी जानते हैं कि अगर हम बात करते हैं किसी भी वेबसाइट की या किसी भी सर्वर की बेसिकली, तो वहां पे उसके पास में डेफिनेटली एक कैपेसिटी तो होती है, यानी कि वो एक नंबर से ज्यादा रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ठीक से प्रोसेस नहीं कर सकता, या एक सर्टेन बैंडविड्थ से ज्यादा जो है वो प्रोसेसिंग नहीं कर सकता। और ऐसे में अगर हम उस सिस्टम को ओवरलोड कर दें, पूरा को पूरा जाम कर दें, एकदम गार्बेज रिक्वेस्ट, कचरा रिक्वेस्ट जिनका कोई सेंस नहीं बनता है, लेकिन फिर भी अगर हम उसको बम्बार्ड करें सिस्टम को अलग अलग तरीके से, अगर हम बात करते हैं उसकी बैंडविड्थ को कंज्यूम करने की, अगर हम बात करते हैं उसके सभी पोर्ट्स पे तरह तरह के डेटा को बम्बार्ड करने की, तो वो सिस्टम दोस्तों अपने आप में कंप्लीट क्रैश कर जाएगा और वो जो वेबसाइट है उस पर हो जाएगा डीडॉस अटैक। अब यहां पे जो अटैक्स दोस्तों ये तरह तरह के होते हैं, मतलब इसके बहुत सारे अलग अलग वैरायटीज, अलग अलग तरीके हैं, एम्प्लीफिकेशन भी हो सकता है, स्मर्फ भी हो सकता है, न्यूक्स भी हो सकता है या फिर टीयर ड्रॉप भी हो सकता है, लेकिन एट द एंड जो मकसद है दोस्तों वो कंप्लीटली क्लियर है कि उस वेबसाइट को डाउन करना। अब दोस्तों जो रीसेंट अटैक था ट्विटर, स्पॉटिफाई और रेडिट पे, वो आज तक का सबसे बड़ा डीडॉस अटैक था। यहां पे दोस्तों जो सर्वर है वो रिसीव कर रहा था 1.2 टेराबिट्स पर सेकंड की रेट पे डेटा, और ये आ रहा था करीब-करीब 10 मिलियन डिवाइसेस वाले एक बॉटनेट के थ्रू। अब 10 मिलियन डिवाइसेस दोस्तों यहां पे मेनली इन्वॉल्व थे वेबकैम्स, आपके स्मार्ट होम के जितने डिवाइसेस हैं वो, उसके अलावा काफी सारे कंप्यूटर्स या फिर तरह तरह के नेटवर्किंग डिवाइसेस। अब यहां पे दोस्तों आप सोचते होंगे कि जो है डीडॉस अटैक ठीक है, हो गया, वेबसाइट डाउन हो गई, लेकिन ऐसे में करने वाले का फायदा क्या, क्या वो सिर्फ टाइम पास के लिए ऐसा करता है? तो जी नहीं दोस्तों, यहां पे बहुत सारी चीज इन्वॉल्व है। हो सकता है कि पैसा इन्वॉल्व हो, मैं आपकी वेबसाइट पर डीडॉस अटैक करवा दूं और बाद में आपसे एक्सट्रॉशन मनी लूं कि मैं वो डीडॉस अटैक आज के बाद नहीं करूंगा, या फिर ये भी हो सकता है कि मैं अपने किसी कंप्यूटर के ऊपर एक करवाऊं डीडॉस अटैक। फॉर एग्जांपल अगर दो ई कॉमर्स वेबसाइट हैं, अगर एक वेबसाइट ओनर ने दूसरी वेबसाइट के ऊपर करवा दी डीडॉस अटैक, तो ऐसे में वो वेबसाइट जो है वो कंप्लीटली डाउन हो जाएगी। इसका मतलब जो ट्रैफिक है वो आपकी वेबसाइट पर काफी सारा डाइवर्ट हो जाएगा। या फिर हम कह सकते हैं किसी से मेरे को गुस्सा है, किसी से मेरे को परेशानी है, कुछ दुश्मनी है, या इसके अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। लेकिन यहां पर दोस्तों एक बात जो सबसे खतरनाक है वो ये कि वो जो बॉटनेट्स हैं वो ऐसा नहीं कि सिर्फ हैकर से डेवलप कर सकते हैं और वही उनको यूज कर पाएंगे।
ऐसे में दोस्तों बहुत बार देखा गया है कि बहुत सारी इंटरनेट पे वेबसाइट्स हैं जो कि एक तरीके से स्ट्रेस टेस्टिंग का काम करती हैं आपकी अपनी वेबसाइट पे डीडोस अटैक करवा के, और आप वहां पे थोड़ी सी एक फीस देके जिस वेबसाइट पे चाहे उस वेबसाइट पे डीडोस अटैक करवा सकते हैं। तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इशू है यहां पे, ये कैसे उसको टैकल करें। ऐसे में जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो मिलियन डॉलर दोस्तों खर्च करते हैं इसके अगेंस्ट अपने प्रोटेक्शन के लिए। अगर हम बात करते हैं हायर बैंडविड्थ की, अगर हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर स्ट्रक्चर की, तो बहुत सारा मिलियन डॉलर दोस्तों इसमें खर्चा आता है, और ये कोशिश करते हैं हमेशा बचे रहने की कि उन पे एटलीस्ट किसी भी तरह का डीडोस अटैक ना हो। आप इमेजिन करो अगर गूगल पे किसी दिन हो गया डीडोस अटैक तो कैसे काम चलेगा पूरी दुनिया का। लेकिन यहां पे ये जो बात है दोस्तों बहुत ही खतरनाक है अभी के लिए, क्योंकि जैसे जैसे हम बात करते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स की, जैसे जैसे हमारे पास में कनेक्टेड डिवाइसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो वैसे वैसे वो जो बॉटनेट है उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ती जा रही है। अब दोस्तों ऐसे में खतरनाक बात यह भी है कि ये जो बॉटनेट्स हैं इनको खरीदा या बेचा भी जा सकता है, क्योंकि डार्क वेब में सारे काम होते रहते हैं, और ऐसे में सिर्फ बिटकॉइन से पे कीजिए बहुत ही छोटा सा अमाउंट और आप बाद में किसी के बॉटनेट को टेम्परेरली यूज कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट के अगेंस्ट एक डीडोस अटैक करवाने के और उसको डाउन करने में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि डीडोस अटैक होता क्या है, कैसे किया जाता है, कौन करता है, उसका क्या फायदा होता है। अगर आपको कोई सवाल सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को लाइक या शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और इसके अलावा अगर आप दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी ही वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।